आ गया नया ट्रक, खाली गाड़ी हमारी भरी हुई है, अब हम ढूंढ रहे हैं मम्मी उस साइड, ढूंढ रहे हैं पापा उस साइड, ढूंढ रहे हैं क्या। आज का सीन ऐसा कुछ है, देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बारिश लगी है। मैं आई हूँ छाता लेके अपने ट्रक के पास, और ट्रक का हमारा कहीं और लगा हुआ, बैग लेके साथ में, ये सुन मैं ऐसे छाता लेके आई थी तो मैं ज्यादा भीगी नहीं हूँ। और सामने आप देख सकते हैं पूरी सड़क भी पानी से भरी हुई है। मेरे पापा अभी आने वाले हैं तो मेरे को बुलाया था चाबी लेके, तो मैं चाबी लेके आ गई हूँ। और हमने करनी है गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो हमारा दूसरा ट्रक भी आ रहा है। जब मैं बस में बैठी थी तो इतनी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, और जब गाड़ी के पास पहुंची ना तो इतनी तेज बारिश होने लग गई। मैं छाता लेके आई थी वरना मैं पक्का भीग जाती और बीमार भी पक्का हो जाती। तो थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आने वाली है, और मेरे को सामान भी देना था यहाँ पे, तो सामान लेके भी आई हूँ मैं। A few moments later, आ गया नया ट्रक। इतनी बारिश में भीगता तो हमारी गाड़ी आ गई है, पापा गए हैं नीचे, तो मैं यहाँ पे बैठ के भीग रही हूँ। पानी अंदर आ रहा है बट फिर भी कुछ नहीं है, गाड़ी भी धुल जाएगी मैं, और अब ज्यादा ही पानी अंदर आ रहा है, बंद करना पड़ेगा। पानी से भीग चुकी हूँ, मेरा ना बड़ा मन खराब हो रहा है इस बारिश में। आज पहली बार इतनी ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए यार, पहले तो बाल बांध दूं। पानी बोला तब तक गाड़ी स्टार्ट कर लो, फिर देखते हैं बारिश रुकने का क्या बनता है। प्रेशर बना दूंगी मैं थोड़ा सा इसका, अभी तक 0 पे है, बिल्कुल हल्का हल्का पैर रखना। अब बारिश रुक जाएगी तब वैसे हम आराम से जाएंगे हम भी घर, बारिश नहीं रुकेगी तो क्या होगा। रे ये क्या हुआ, ये परांदा लटक गया है इसके पास। अरे खुलेगा यहाँ, परांदा फंस गया है। निकल छोटे आदमी नहीं है वो बेटा, करना पड़ेगा इसका सीन पानी यहाँ पे, इससे देखती हूँ धक्का ये भी चला जाए बाहर। अरे ये भी नहीं हो रहा, लाइट कर देती हूँ। ओहो ये सीन पानी गलत हुआ, वो तो निकल गया। चलो लगा प्रेशर चढ़ने आज तक। मेरे को लगता है मेरा फोन खराब हो गया है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से अगर वीडियो बनाती हूँ तो उसमें साउंड ही नहीं आती, ना मेरी साउंड आती है ना बैकग्राउंड साउंड आती है, कुछ भी नहीं आता। तो अभी देखो गाड़ी स्टार्ट की हुई है और फिर भी साउंड नहीं आ रही। मैं तो बोलूंगी वो तो दूर की बात है, पहले तो मैं हाथ धो लूँ, तो परेशान हो गई हूँ। वीडियो तो मैंने घर आके देखी कि हाँ इसमें साउंड नहीं आई है, इतनी दिक्कत है ना इस फोन में ना, जब से अपडेट किया हुआ है इसको। बट कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम में कैमरा ले लेंगे, उससे ब्लॉगिंग करेंगे। वैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है, पर आज कुछ ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इस बारिश से मुझे, और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। एक तो बाल बांध देती हूँ मैं, क्योंकि जब से मैंने हेयर कट लिया है तब से मैंने हेयर वॉश नहीं किए हुए हैं, मैंने बाल कटवाए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और छोटे छोटे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। आप लोगों के कमेंट पड़े थे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, कुछ होते हैं नेगेटिव कमेंट उन पर मैं ध्यान नहीं देती, पर जो पॉजिटिव थे वो तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। एक तो मेरे हाथों में ग्रीस लग गई है, पता नहीं खिड़की पे क्यों लगाई थी इन्होंने ग्रीस, धोके जाएंगे साबुन से साफ होंगे ऐसे तो नहीं होंगे, बट मैंने हैंकी गीला किया था तो हो गया साफ। खाली गाड़ी हमारी भरी हुई है, ये खाली है, इसको सिर्फ स्टार्ट करना है और यहीं से भर के लेके जाएंगे इसको, पर अभी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ये वाली गाड़ी जो है ले से आई है अभी, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसको भी रेस्ट देंगे। बस ये भर के आई है तो कहीं जाएगी उतरने के लिए। मैं तो ऐसे आई थी क्योंकि मेरे को देना है सामान, जो कि अभी भी मेरे बैग में रखा हुआ है। प्रेशर बन चुका है 9 तक, दोबारा से लगी है बारिश, मेरे को लगता है ये बंद होगी। वाइपर मारता हूँ मैं भी, बारिश में वाइपर मारता हूँ, लोग बारिश में दिल लगाते हैं और मैं बारिश में वाइपर मार रहा होता हूँ। अरे देखो अरे दोबारा से लगी बारिश, और जितनी बारिश अभी लगी है ना इस बारिश में आई हूँ मैं। देखो
A few moments later. अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी और ये है सामान, इसमें मिठाई है, लड्डू। पापा के फ्रेंड, उनके घर में खुशी आई हुई है, जो उनके फ्रेंड है सबको एक एक डब्बा दिया हुआ है, तो यही मैंने पकड़ाना है आंटी के पास। तो आंटी आ रहे हैं अभी, आना तो उन्होंने इस साइड से, मैं देख रही हूँ, आ ही नहीं रहे। A few moments later. तो हल्की हल्की बारिश रुकी थी और हल्की हल्की बारिश लगी भी थी, तो आंटी के पास सामान पकड़ाने के बाद हम फिर चल पड़े यहाँ से, क्योंकि हमें घर भी पहुँचना था और पापा को रेस्ट भी करनी थी, इतने दिनों से रेस्ट नहीं मिली थी उन्हें भी। हमारी पार्किंग में कोई और पार्क करके गया अपनी क्रेटा। अब हम ढूंढ रहे हैं, मम्मी साइड ढूंढ रहे हैं, पापा साइड ढूंढ रहे हैं कि हटाओ इसको साइड। भाई लूड, गाड़ी चलाना आसान थोड़ी है। जितनी बार अपनी गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी होती हैं। ये पता नहीं कहाँ ढूंढ कौन खड़ा करके चले गए अपनी इसको काली नजर को यहाँ पे पार्किंग में, और ये खड़े हुए हैं अपने पति देव का बैग उठाकर। तो मेरे को एक गाना याद आ रहा था, फाजी मुंडा आई गए छुट्टी बिचारिये ले जानी। मानते नहीं है ना लोग, दो इसको धक्का एक बार सीधे पीछे। ट्रक लगता है ना यहाँ पे पार्क होने, तो सारे लोग ऐसे देखने लगते हैं जैसे जहाज पार्क हो रहा हो। सही नहीं बोल रही मैं, बोलो देखो, सही नहीं बोल रही मैं। गाड़ी किसकी है, जल्दी वहाँ से हटो।